हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन दालचा। मटन का दालचा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन, इसे मैंने धोकर अच्छे से साफ किया है, 1 गड्डी अंबट चुके की भाजी, 1 किलो कद्दू, इसे मैंने इस तरह से कट किया है, 4 टमाटर रफली कट किए हुए, आधा कटोरी हरा धनिया और पुदीना, 3 प्याज, इसे मैंने लंबी लंबी कट किया है, 1 कटोरी इमली का पानी, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नमक। सब में पहले हम गोश्त को बॉईल करेंगे। एक कुकर में हम गोश्त डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसे चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसे ढककर 4 सीटी ले लेंगे। कुकर की सीटियां हमें हाई फ्लेम पर ही लेनी है, गोश्त को हमें ज्यादा नहीं गलाना है। देखिए 4 सीटियां हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसमें से गोश्त को निकाल देंगे। देखिए हमने पूरा गोश्त निकाल दिया है। अब हम 2 कटोरी तुअर दाल लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। दाल को मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें कट किए हुए टमाटर डालेंगे और अंबट चुके की भाजी डालेंगे। अगर आपके पास ये भाजी नहीं है तो आप इमली थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसे ढककर 4 सीटी ले लेंगे। देखिए 4 सीटियां हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम चेक करेंगे दाल गली या नहीं। देखिए दाल गल चुकी है। अब हम एक भगोने में तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, कांदा लहसुन मसाला, जीरा पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें उबला हुआ गोश्त डालेंगे। कद्दू डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है, अब हम इसे ढककर कद्दू गलने तक पका लेंगे। चलिए चेक करते हैं कद्दू गला या नहीं। अब हम इसे चम्मच से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और चेक करेंगे कद्दू गला या नहीं। अब हम चेक करेंगे, ये देखिए कद्दू टूट चुका है, मतलब पक चुका है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे, कट किया हुआ हरा धनिया और पुदीना डालेंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। देखिए इसमें बॉईल आ रहा है, मतलब ये बन चुका है। अब हम इसे चम्मच से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा दालचा बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।